आपकी स्किन के बारे में बताओ। तो आप भी अगर जब भी ऐसा यूज कर रहे हो, तो जब भी आप धूप में जा रहे हो, तो आपकी स्किन एकदम कांच के जैसी आपकी भी दिखेगी। तो आप चाहते हो कि मेरे जैसा स्किन हो जाए, तो आप ये जरूर ट्राई करना, बहुत ज्यादा अच्छा है। अभी अब मैंने देखो धूप में बैठी हूँ, तो एकदम आपको दिखेगा कि मेरा स्किन एकदम ग्लास जैसा है, तो एग्जैक्ट वैसा ही है। तो आप भी ट्राई करो, आपके भी फेस पे ऐसा ही एकदम ग्लो आएगा, एकदम वाइटनिंग हो जाएगा और एकदम स्मूथ भी हो जाएगा, और आपके फेस पे बहुत ज्यादा ग्लो आ जाएगा। तो आप लोग बहुत टाइम से कह रहे थे दीदी अपना स्किन केयर जरूर शेयर करो, तो मैंने सोचा चलो थोड़ा टाइम लगेगा, बट मैं आप प्रूफ के साथ आपको दे सकती हूँ कि हाँ मैं यूज कर रही हूँ, मुझे फायदा है, इसलिए मैं लवली सब्सक्राइबर कैसी है आप सब। तो मैंने बहुत टाइम से आप लोग को बोला था कि मैं अपनी स्किन केयर जरूर शेयर करूंगी, और कौन सा स्किन केयर कर रही हूँ आजकल जो कि मेरे चेहरे पे बहुत ज्यादा अलग निखार है। तो आप लोगों को से मैंने बोला था 15 दिन पहले कि मैं जरूर आप सबके साथ शेयर करूंगी, तो आप लोग के इतने सारे कॉमेंट्स आए कि दीदी प्लीज जल्दी से शेयर करो। तो मैं बता दूं कि मैं कोई भी प्रोडक्ट शेयर करने से पहले उसको ट्राई कर लेती हूँ अच्छे से 15 दिन तक। तो 15 से 20 दिन मुझे लगता हो गया, और मुझे लगा कि आप सबके साथ शेयर करना चाहिए, क्योंकि इसका रिजल्ट इतना ज्यादा अच्छा है और ये सबके लिए है, चाहे जो भी ड्राई स्किन हो जिनका भी, या लाइटनिंग है आपकी स्किन पे, या पिंपल्स है, या कुछ भी है आपकी स्किन में प्रॉब्लम, ये सारे लोगों के लिए है। तो मैंने सोचा चलो पहले मैं टेस्ट कर लूँ, उसके बाद मैं आप सबके साथ शेयर कर लूँ। तो ये बहुत मतलब ये ऐसा प्रोडक्ट है कि आप इसे हर एक लोग लगा सकते, और जितने भी मेरे से सब्सक्राइबर जुड़े हैं उनको ये बहुत टाइम से वेट था कि मैं अपनी स्किन केयर शेयर करूं, आप सबके साथ शेयर करूं, क्योंकि आप लोग को बहुत टाइम से मेरा स्किन केयर देखना था। तो मैंने सोचा चलो आप सबके साथ शेयर कर ही दूं, क्योंकि ये इतना अच्छा प्रोडक्ट है कि मैं क्या बताऊं, कुछ क्या ही कहूँ, आप खुद ही देख लो, मतलब इतना अच्छा इसका रिजल्ट है। अभी मैंने कोई मेकअप नहीं लगाया है, कोई मेकअप नहीं, बस लिपस्टिक के अलावा और बस। तो इसका इस रिजल्ट आप खुद ही देख लो, आप लोग इतना टाइम से इसलिए वेट कर रहे थे कि दीदी कब शेयर करेंगी, तो मैंने सोचा चलो आप सबके साथ शेयर कर ही दूं। साथ साथ मैं डेमो भी देते जाऊंगी कैसे यूज करना है, मैं साइड में दे दूंगी कि आपको यूज कैसे करना है, कैसे मतलब क्या है क्या नहीं, सारा मैं आपको सब कुछ बताते चलूंगी। तो ये प्रोडक्ट ये रहा हेलो सनशाइन का पैकेज, जो कि बहुत 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 ज्यादा अच्छा है, और मैं बहुत टाइम से आप सबके साथ मैंने बोला था जो शेयर करने के लिए वो यही प्रोडक्ट है, बहुत ज़्यादा अच्छा। अगर आप भी अपने स्किन पे एकदम ऐसा निखार चाहते हो तो ये आपके लिए बेस्ट होगा, आप जरूर ट्राई करना। ये इतना अच्छा मैं क्या बताऊँ, इसको जितना अच्छा बोलो उतना कम है। तो ये वाले आपके डब्बे में 5 प्रोडक्ट आता है, बेसिकली आपको 5 प्रोडक्ट रिसीव होगा, ये रहा कुछ इस प्रकार का पैकेट आएगा, और आपको ये 5 प्रोडक्ट मिल जाएगा, और बहुत ज़्यादा अच्छा है आपकी स्किन के लिए। आप लोग बहुत सारे कॉमेंट्स किए थे दीदी मेरी शादी होने वाली है, मेरे चेहरे पे ग्लो नहीं है, तो मेरे को कुछ बताओ। तो ये उनके लिए बेस्ट है जिनके फेस पे बहुत ज़्यादा पिंपल्स है, उनके लिए बेस्ट है जिनके फेस पे बिल्कुल लाइट नहीं है, उनके लिए भी ठीक है। मतलब कहने का मतलब ये है कि सारे स्किन के लिए बेस्ट है। इसके बारे में और आगे बात करेंगे, लेकिन पहले अपना प्रोडक्ट दिखा दूं। तो आपका आपको डब्बा मिलेगा, और सबके डब्बे के साइड में आपको डिस्क्रिप्शन यूज सब कुछ लिखा हुआ है, तो आप जब भी लो इसको अच्छे से पढ़ लो और वैसा ही करना जैसा डब्बे पे लिखा है डिस्क्रिप्शन में। साथ के साथ आपको ये डिस्क्रिप्शन भी मिलेगा, जो कि आप अच्छे से रीड करके ही उसको यूज करना। और मैं इतना ज्यादा मेरा फेवरेट हो गया कि मैं क्या बताऊँ, रूटीन एज अ नाइट रूटीन सारा कर सकते हो, मेकअप करने से पहले भी कर सकते हो, तो ये बहुत ज्यादा अच्छा है। तो ये रहा रिफ्रेश साइंस के वार्मिंग फेस वॉश, जो कि आपको कुछ इस प्रकार मिलेगा। इस प्रोडक्ट के बारे में आपको बता दूं, थोड़ा साइड में देखोगे तो ये डर्मोटोलॉजिकली टेस्टेड है, ये इसमें वेगन है, 100% वेगन है, आप ध्यान से देख लो। आप भी जब भी यूज करो तो आप पहले डिस्क्रिप्शन पढ़ लो,
और सबसे अच्छी बात है ये डर्मोटोलॉजिकली टेस्टेड है, तो आप इसे आंख बंद करके ट्रस्ट कर सकते हो। और ये बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा है, आप अगर नेचुरल स्किन चाहते हो तो ये आपके लिए बेस्ट है। ये आपको डैमेज स्किन हटाएगा, जितना भी डल स्किन है आपके चेहरे पे वो सारा रिमूव करेगा, साथ के साथ आपके चेहरे पे इतना अच्छा निखार लाएगा। एक दिन में आप इसे 2 बार यूज कर सकते हो और आपके चेहरे पे इतना अच्छा निखार आएगा कि मतलब उसके बाद मुझे कमेंट्स करके आप जरूर थैंक यू बोलने वाले हो, इतने ज्यादा अच्छा है ये। तो बहुत इजी है इसको अप्लाई करना, और आपको इसको यूज करने से पहले आप जब इसको यूज कर रहे हो अपने अंडर आईज के पास नहीं लगाना है, आपके नीचे नीचे ही लगाना है, आईज के पास बिल्कुल नहीं ले जाना है। और ये पैराबिन फ्री है, ये देखो, तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो अगर मेरे स्किन के बारे में जानना चाहते थे तो ये रहा मेरा वो स्किन केयर का राज जो कि मैं आजकल बहुत टाइम से इसको यूज़ कर रही हूँ। तो आपको सबसे पहले ये फोमिंग फेस वॉश यूज़ करना है, तो ये रहा फोमिंग फेस वॉश जिसका मैं यूज़ और रिव्यू दोनों साथ साथ मैं साइड में शेयर करते जाऊँगी। तो ये रहा कुछ इस प्रकार का, आपको ये मिलेगा डब्बा और जो कि बहुत क्यूट है इसका पैकेट, तो ये कुछ इस प्रकार का इसका डब्बा है और क्यूट सा इसमें ब्रश भी है, एकदम ये सॉफ्ट वाला ब्रश। फेस पे भी इसको अच्छे से अप्लाई करूं तो कोई दिक्कत नहीं है और इसको यूज बहुत इजी है। मैं साइड में रिव्यू भी देते चल रही हूँ, तो ये देखो आप ऐसे करोगे तो आपको प्रोडक्ट बाहर आ जाएगा और अच्छे से आप अप्लाई कर सकते हो। और बहुत ये स्मूथ है, एकदम सिलिकॉन का बना हुआ है, तो आप इसे एज अपने स्किन पे करोगे और आप तो कुछ दिक्कत नहीं होगा। और ये बहुत ज़्यादा अच्छा है, आप इसे ऐसे बस आपको बहुत इजीली और बहुत अच्छी क्वांटिटी में आप ऐसे प्रेस करोगे तो बहुत आसानी से आ जाएगा। और ये देखो, और आप बहुत इजी तरीके से आप इसे यूज कर सकते हो। तो ये फिर उसके बाद ये ढक्कन ऐसे लग जाएगा, तो आपको ये अगर ये प्रोडक्ट एक बार कोई यूज कर रहा है तो उसके लिए बेस्ट है, क्योंकि इसको आप वॉश भी कर सकते हो बहुत आसानी से, और इसको आप उसके बाद वॉश करने के बाद अच्छे से इसके बाद कवर लगा सकते हो ताकि इसे कोई भी कीड़ा मकोड़ा नहीं इसको टच कर सकता है, बहुत आसानी से हो जाएगा। आपको सेफ रखना है अपनी स्किन को बहुत अच्छा से, तो इसको कवर करके रख सकते हो, बहुत इजी है। या आप इसे वॉश तो डेली करके ही करना, तो बहुत स्टेप ये रहा। सेकेंड स्टेप, आपको ये टोनर है जो कि मैं हर एक बार कहती हूँ कि फेस वॉश करने के बाद आपको फेस को टोनर जरूर करना चाहिए, क्योंकि आपका फेस बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट लगाने से पहले आपकी स्किन बहुत ज़्यादा अच्छे हो जाए, उसके बाद टोनर से आपकी स्किन और भी सॉफ्ट और बहुत ज़्यादा रिफ्रेश फील होता है आप जब भी टोनर यूज़ करते हो। तो ये भी एग्जैक्ट वही है, इसमें भी पैराबिन फ्री है, डर्मोटोलॉजिकली टेस्टेड भी है, तो आपको कुछ ऐसा रिसीव होगा इसके अंदर से। आपको टोनर में भी आपको डर्मोटोलॉजिकली टेस्टेड और पैराबिन फ्री मिलेगा, तो आप इसे ऑल टाइप स्किन के लगा सकते हो, बहुत ज़्यादा अच्छा है। और ये pH 3% और ये अल्कोहल फ्री है फेस टोनर, जो कि आपके फेस पे अप्लाई करने के बाद थोड़ा सा अलग सा एकदम, एक तो ठंडा मिलेगा ही, साथ के साथ आपकी स्किन बहुत ज़्यादा स्मूथ हो जाएगा, बहुत ज़्यादा ग्लोइंग दिखेगा। तो आपको सबसे पहले ये क्यूट सा एक बॉटल मिलेगा और इसको यूज़ करना सबसे आसान तब हो जाता है जब आप इसके साथ एक पंप आता है, ये देखो। तो इसको यूज़ करना बहुत इजी है, बस आपको फेस पे ऐसे ऐसे अप्लाई कर लेना है, बहुत इजी हो जाएगा। उसके बाद आप अच्छे से इसको पूरे दिन में 2 बार यूज़ कर सकते हो, 2 बार आप अपने, एक बार डे में कर लेना और एक बार नाइट में कर सकते हो, तो आप इसे 2 बार यूज़ कर सकते हो, बहुत इजी है इसका तरीका और बहुत आपकी स्किन सॉफ्ट हो जाएंगे। कोई भी आप जब भी फेस वॉश कर रहे हो तो टोनर बहुत ज़रूरी है लगाना, क्योंकि आपके फेस एक तो बहुत ठंडक हो जाएगा, सेकेंड कि आपके फेस पे बहुत ज़्यादा ग्लो आता है। तो ये आपको फर्स्ट स्टेप ये करना है कि आपको फेस वॉश करने के बाद अच्छे से टोनर अप्लाई करना है, अच्छे से उसके बाद अपने फेस पे ऐसे से डैब कर लेना है। तो यहाँ पे थर्ड स्टेप में ये है कि आपके पास 2 सीरम ऐसा रिसीव होगा, सेम आपको भी इसमें पैराबिन फ्री और डर्मोटोलॉजिकली टेस्टेड, आपको दोनों जितना भी प्रोडक्ट इस डब्बे में आया है दोनों डर्मोटोलॉजिकली टेस्टेड और पैराबिन फ्री प्लस
इसमें वेगन भी है तो बहुत ज्यादा आपकी स्किन के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है। इसमें ये नॉन टॉक्सिक है, नो सल्फेट नो सिलिकॉन, तो ये आपके फेस के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है। इसको आप जो भी यूज करना चाहते हो, इसमें दो सीरम आएगा, आप जैसा भी आप एक डे में यूज करो एक नाइट में यूज करो, आप जैसा भी आप चाहते हो तो आप वैसे यूज कर सकते हो। और इसमें भी बहुत ज्यादा इसका इफेक्ट है, आप इसे एज अ मेकअप से पहले भी यूज कर सकते हो। कई बार मैं कहती हूँ ना मेकअप से पहले सीरम यूज करना बहुत जरूरी होता है, तो आप इसे एज अ मेकअप से पहले यूज कर सकते हो और बहुत ज्यादा अच्छा है। साथ के साथ मैं इसका डू भी शेयर करूंगी और बहुत ज्यादा स्किन आपके स्मूथ हो जाएंगे, आपकी स्किन एकदम व्हाइट एकदम ग्लोइंग लगेगा। आपके चेहरे पे एक भी दाग है या धब्बा है, आपके पिंपल्स वगैरह है, सारे स्किन प्रॉब्लम से ही आपको छुटकारा चाहिए। तो आपको बहुत इजीली आपको अप्लाई करना है, तो आपको फर्स्ट स्टेप मैंने बता दिया, सेकंड भी बता दिया, थर्ड स्टेप में आपको सीरम अप्लाई करना है। आप बहुत इजीली इसको अप्लाई कर सकते हो। तो आपको कुछ इस प्रकार का डब्बा आएगा, मैं अभी इसको यूज कर चुकी हूँ, ये देखो इतना यूज कर चुकी हूँ। तो आपको बहुत कम अमाउंट में लेना है, आपको एकदम थोड़ा सा अमाउंट में लेना है और बहुत अच्छे से अपने हैंड पे फेस पे जैसे भी अप्लाई कर रहे हो, बस आपको ध्यान रखना कि आपके आईज के पास नहीं लगाना है इसको। आपको यूज करना बहुत इजी हो जाएगा, ये देखो। तो ये आपकी स्किन में एकदम एब्जॉर्ब हो जाएगा, ये देखो, कहीं से आपको चिपचिपा नहीं लगेगा। ये सीरम इतना ज्यादा अच्छा है और आपके स्किन आपके फेस के लिए बहुत ज्यादा ये फायदेमंद होगा। आपकी स्किन एकदम व्हाइटनिंग दिखेगी, जैसे आप लोग कहते हो कि आपकी स्किन पे क्यों नहीं एक भी पिंपल्स है, तो आपके भी हो जाएंगे एकदम क्लियर स्किन। तो आप ये ट्राई करना, तो टोनर के बाद आपको फेस सीरम अप्लाई करना चाहिए और करना ही है आपको। तो ये है वो सीरम जो कि बहुत ज्यादा अच्छा है। तो आपको इसमें कैप के साथ आएगा, बट आपको इसको ऐसे लगा के रख सकते हो। तो इसको आप दो तीन, आपको ज्यादा नहीं लेना है, एक से दो बूंद ऐसे करके अपने फेस पे लगा लेना है। उसके बाद इसको अच्छे से मसाज करना है अपने फेस पे, ताकि ये हमारा जो भी सीरम लगा है हमारे फेस पे अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए और हमारे स्किन में जाए, ताकि हमको फायदा मिल सके। तो ये उसके लिए करना है, आपको लगाना है पीलिंग सॉल्यूशन, ये रहा। तो ये आपके चेहरे को एकदम रेडिएंट स्किन कह सकते हो, आपके चेहरे को एकदम वाइटनिंग करने में ये हेल्प करेगा। तो आपकी स्किन को ये बहुत ज्यादा वाइटनिंग करने में आपको हेल्प करेगा, ये आपकी स्किन को एकदम स्मूथ बना सकता है। कोटिंग फेशियल है, ऑयल है, जो आप सीरम के जैसा है, आप इसे सीरम के जैसा ही यूज करना है, बट आपको सीरम के बाद इसको अप्लाई करना है। तो ये भी आपको नॉन टॉक्सिक है और नो फेट है और नो सिलिकॉन है और आपको पैराबिन फ्री मिलेगा ये। तो आपको ये 30 ml में ये रिसीव होगा, तो इसको भी यूज करना बहुत इजी है। जैसे आपको सीरम अप्लाई किए हो उसके बाद ही, जैसे सीरम आपके फेस पे एब्जॉर्ब हो जाए अच्छे से, उसके बाद आपको ये लगाना है। तो ये रहा फेस सीरम, उसके लिए है, जैसे हम रात को एडिटिंग वगैरह करते हैं और पढ़ाई में जो भी कोई बिजी है, या हम रात को ज्यादातर एडिटिंग वगैरह वीडियो के बारे में सोचते हैं कैसे बनाना है क्या बनाना है, तो उसमें हमारा स्ट्रेस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और हमारे फेस पे दिखने लगता है हमारा स्ट्रेस। तो उसके लिए जो एजुकेशन कर रहा है पूरी रात पढ़ रहा है, तो आपके फेस पे आपको टाइम नहीं मिल पा रहा है, तो आपको दो तीन स्टेप करना पड़ेगा। तो उनके चेहरे पे आपको साफ दिख जाता है, डार्क सर्कल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ये बहुत अच्छा है, ये स्ट्रेस प्रोटेक्शन है, ये प्लम्पनेस स्ट्रेस प्रोटेक्शन है, जो कि बहुत ज्यादा अच्छा है। इसको भी यूज करना बहुत ज्यादा अच्छा है। मैं यहाँ पे आपको एक बात और आपको बता दूं, जैसे आपके स्किन पे पिंपल्स वगैरह है तो वहां पे नहीं अप्लाई करना, क्योंकि ये हल्का सा जैसे फेस पे कुछ कटता है और लगा रहे हो तो थोड़ा सा कुटकुट कुटकुट करेगा, तो आपके फेस पे कोशिश करना कि आपके फेस पे कोई पिंपल या कटा होगा तो वहां पे अप्लाई मत करना, बाकी सारे जगह करना। बस आपको ये ध्यान रखना कि आपके फेस पे जहां पे भी कहीं कट लगा हो या पिंपल्स वहां पे जैसे अभी हटा हो तो थोड़ा सा वहां पे गड्ढा होगा तो उसमें जाएगा तो थोड़ा सा आपको जलेगा, बट आपको कोई दिक्कत नहीं है। बट आपको कई बार लग सकता है कि हाँ ये रिएक्शन हो रहा है, तो मैं आपको पहले बता दूं कोई रिएक्शन नहीं है, बस आपको थोड़े से फेस में लगेगा, अगर कहीं कटा होगा तो इसको वहां पे यूज नहीं करना है।
इसका भी सेम, इसका ये देखो, इसको भी मैं कितना ज्यादा यूज कर चुकी हूँ जो कि मुझे बहुत ज्यादा अच्छा है। इसको भी एज अ फ्यू आपको बस 2-3 ड्रॉप ऐसे बूंद में ही लेना है और बहुत इजीली आपके स्किन में बहुत जल्दी एब्जॉर्ब हो जाएगा। और इसको भी आपको थोड़े मसाज करना है, ऐसे एकदम एग्जैक्ट मसाज करना है। तो मैं आपको पहले भी बता दूं कि हल्का सा कुटकुट करेगा, आपको कोई डरने वाली बात नहीं है, ये एकदम बहुत ज्यादा अच्छा है। तो ये बहुत इजीली आपकी स्किन में एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो मैं आपको बता दूं, तो आपके 2 फेस सीरम मिलते हैं और ये आपको एंड में लगाना है। जैसे स्किन केयर कर रहे हो या नाइट स्किन केयर कर रहे हो तो आपको इसको एंड में लगाना है। ये मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि आप इसे डे में कैसे यूज कर सकते हो, नाइट में कैसे यूज कर सकते हो, तो आपको साथ के साथ एक डिस्क्रिप्शन भी मिलेगा इस बॉक्स के साथ। तो आपको बहुत इजी तरीका हो जाएगा आपको समझने में। ये देखो AM PM करके लिखा हुआ है। तो आपको सबसे पहले अपना फेस वॉश यूज करना है सुबह मॉर्निंग में, उसके बाद कोई भी ये, उसके बाद आपको टोनर अप्लाई करना है फेस पे, जो कि मैं नॉर्मली आपको हरदम बताती हूँ कि जब भी स्किन के फेस वॉश कर रहे हो तो टोनर जरूर अप्लाई करना चाहिए। उसके बाद आप कोई भी मॉइस्चराइजर ले के अपने स्किन पे लगा सकते हो, साथ के साथ कोई आपको सनस्क्रीन लगाना ही लगाना है। ऐसा नहीं है कि आप इसको लगाने के बाद सनस्क्रीन नहीं लगाओगे और आपको बाहर निकल जाओगे तो ऐसा फायदा होगा नहीं। आपको सनस्क्रीन नहीं भूलना है। अगर आप डे में लगा रहे हो तो आप पहले मॉइस्चराइजर लगा लो, आप जो भी नॉर्मल लगाते हो वो मॉइस्चराइजर लगा लो, उसके बाद आपको SPF कोई भी आपको सनस्क्रीन जो आप लगाते हो वो यूज करो, उसके बाद आपको मेकअप अप्लाई कर लेना है। बहुत इजी स्टेप है, आपको ये चीज करना ही है आपको। और रात को क्या करना है कि आपको पहले मेकअप रिमूव करना है, ऑल भी मेकअप, जितना भी आप मेकअप लगाए हो उसको रिमूव करो। मेकअप रिमूव करने के बाद आपको फोमिंग फेस वॉश यूज करना है, रिफ्रेश फोमिंग क्लींजर आपको फेस वॉश यूज करना है पहले मेकअप रिमूव करने के बाद। उसके बाद आप जैसे फेस वॉश करोगे उसके बाद आपको टोनर लगाना ही है, रात को भी आपको टोनर मिस नहीं करना, आपको टोनर लगाना है। साथ के साथ आपको कोई भी पीलिंग सॉल्यूशन यहाँ पे यूज करना है। ये देखो जो मैंने बताया कि आपकी स्किन को बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट करता है, आपके स्किन पे ग्लो लाएगा, तो आपको वो लगाना है। और आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपके आईज में ना जाए, आईज के नीचे ही लगाना है, आईज के अंदर नहीं जाना चाहिए, आपको इस बात को ध्यान रखना है। आप उसके बाद इसको यूज करने के बाद आपको एक सीरम लगा लेना है अच्छे से। आपको इसमें 2 सीरम मिलता है, आप जो भी यूज करना चाहते हो वो यूज करना, तो आपको याद से ये लगा लेना है। उसके बाद एज अ मॉइस्चराइजर लगाना चाहते हो तो लगा सकते हो, वरना उतना इनफ है आपके लिए, आपकी स्किन के लिए बहुत ज्यादा इनफ है। और ये देखो मैंने हैंड्स पे लगाया था, कितना ज्यादा स्मूथ हुआ है। तो आपको भी मेरे जैसा स्किन चाहिए तो आपको ये करना पड़ेगा। बहुत सिंपल मेथड है कि आपको इसमें साथ के साथ डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है, जो भी आपको समझ नहीं आ रहा है डिस्क्रिप्शन में पढ़ सकते हो। साथ के साथ आपके हर एक डब्बे के पीछे साइड में लिखा हुआ है कि आप इसे यूज कैसे कर सकते हो। साथ के साथ आपको ये डब्बे ले रहे हो तो आपको साथ के साथ आपको ये भी मिलेगा कि आप डे में नाइट में कैसे यूज कर सकते हो। तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा, बस आपको बस जो जो मैंने बात बताई है आपको उस पर ध्यान रखना है कि आप जब भी डे में यूज कर रहे हो तो आपको अच्छे से सनस्क्रीन लगा के ही आपको बाहर जाना है या मेकअप करना है, तो बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। और रात में जब भी अप्लाई कर रहे हो तो मेकअप रिमूव करके ही आपको सोना है। जो जो स्टेप बताया है या जो जो इस पे लिखा है आपको एग्जैक्ट वैसे करना है। अगर मेरे जैसे स्किन चाहिए आप सबको तो आपको ये करना पड़ेगा, और मेरी जैसा स्किन आपको बहुत इजीली आपको भी आपके भी हो जाएंगे। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि आप इसे अमेजोन पे आराम से, अमेजोन पे ये आपके अवेलेबल हैं, अमेजोन से आप ऑर्डर कर सकते हो। अभी तो डिस्काउंट चल रहा है, आपको कुछ ना कुछ कुछ परसेंट तो डिस्काउंट मिलेगा ही। साथ के साथ ब्राइटनिंग स्किन के लिए मैंने अपने लिए ऑर्डर किया है, आपको उसमें बहुत सारा ऑप्शन मिल जाएगा। अपने लिए व्हाइटनिंग क्रीम लिया है, जैसे अपने फेस पे व्हाइटनिंग कैसे, अपने फेस को व्हाइट कैसे, मतलब ब्राइट कैसे बना सकते हैं, मैं वो ली हूँ। तो आपको इसमें आपके हर एक प्रॉब्लम के सॉल्यूशन वाले हैं, जैसे आपको जब ऐड टू कार्ट कर रहे हो तो वहाँ पे आपको जो भी प्रॉब्लम है, जैसे आपके पिंपल्स है या आपके चेहरे पे लाइट नहीं है या बहुत सारा दाग धब्बा है, उसको हटाने के लिए तो वहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा। आपको जो भी प्रॉब्लम है उसको हटाने के लिए आप यूज कर रहे हो तो आपको वहां पे सेलेक्ट करना पड़ेगा। आप इसे अमेजोन से ले सकते हो, मैं अमेजोन का लिंक दे दूंगी।
और इसको आप सेलेक्ट करके ही लेना कि आपको कौन से आपकी स्किन के लिए कौन सा बेस्ट है। जैसे मैंने लिया है अपने ब्राइटनिंग स्किन के लिए, आपके उसमें पिंपल्स के लिए भी मिल जाएंगे, आपकी स्किन ड्राई है उनके लिए भी मिल जाएगा, आपकी स्किन ऑयली है उसके लिए भी है। तो आपको जब भी ऐड टू कार्ट कर रहे हो तो आपको इस बात को ध्यान रखना है कि आप कौन सा सेलेक्ट कर रहे हो। और जैसे मेरा स्किन एकदम सॉफ्ट है और मेरे को ब्राइटनिंग स्किन के लिए लेना था तो ये मैंने लिया, आपको इसमें और ये ड्राई स्किन के लिए सबके लिए उपलब्ध है। तो मैं इसका अमेजोन का लिंक दे दूंगी, आप वहाँ अमेजोन पे जाके बाय करना और बहुत ज़्यादा अच्छा है। आप मेरे से बहुत टाइम से पूछ रहे थे कि दी आपकी स्किन के बारे में बताओ, तो आप भी अगर जब भी ऐसा यूज़ कर रहे हो तो जब भी आप धूप में जा रहे हो तो आपकी स्किन एकदम कांच के जैसी आपकी भी दिखेगी। तो आप चाहते हो कि मेरे जैसा स्किन हो जाए तो आप ये जरूर ट्राई करना, बहुत ज़्यादा अच्छा है। अभी अब मैंने देखो धूप में बैठी हूँ तो एकदम आपको दिखेगा कि मेरा स्किन एकदम ग्लास जैसा है, तो एग्जैक्ट वैसा ही है। तो आप भी ट्राई करो, आपके भी फेस पे ऐसा ही एकदम ग्लो आएगा, एकदम वाइटनिंग हो जाएगा और स्मूथ भी हो जाएगा और आपके फेस पे बहुत ज़्यादा ग्लो आ जाएगा। तो आप लोग बहुत टाइम से कह रहे थे दीदी अपना स्किन केयर जरूर शेयर करो, तो मैंने सोचा चलो थोड़ा टाइम लगेगा बट मैं आप प्रूफ के साथ आपको दे सकती हूँ कि हाँ मैं यूज़ कर रही हूँ, मुझे फ़ायदा है। इसलिए मेरे को थोड़ा टाइम लगा क्योंकि मैं पहले अपने स्किन पे टेस्ट कर रही थी कि अच्छा है या नहीं है। तो ये एकदम 100% काम करेगा, तो आप इसे ज़रूर बाय करना। अमेजोन का लिंक दे दूंगी, आप इसे ज़रूर वहाँ से बाय करना, आपको कुछ ना कुछ परसेंट डिस्काउंट मिल ही जाएगा अमेजोन पे। तो आजकल मेरा स्किन केयर डे स्किन केयर नाइट स्किन केयर या मैं मेकअप लगा रही हूँ उसके पहले भी यही रह रहा है। जैसे मॉर्निंग स्किन केयर मैं इसे कर रही हूँ, नाइट स्किन केयर भी इसी से कर रही हूँ। तो ये होता है मेरा आजकल का, जब से मैं इसको यूज़ कर रही हूँ थोड़ा मेरे स्किन पे और ज़्यादा ग्लो आ गया है। तो आप भी चाहते हो कि मेरे जैसा ग्लो एकदम दिखे आपको तो ये ज़रूर ट्राई करना। तो आप मेरे चेहरे पे अभी ग्लो देख सकते हो, मैंने इतने टाइम से यूज़ कर रही हूँ और मेरे चेहरे पे एकदम वाइटनिंग है। आप कहीं से भी देख लो एकदम वाइट है मेरा स्किन अभी। इसको यूज़ करना बहुत सिंपल है, बहुत ईजी है। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, तो डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है साथ में, आप उसको पढ़ लो और बहुत इजी हो जाएगा मेरे जैसे स्किन पाने के लिए। तो आप ज़रूर ट्राई करना, इसे आप मॉर्निंग में यूज़ कर सकते हो, नाइट में यूज़ कर सकते हो, आप मेकअप करने से पहले यूज़ कर सकते हो, तो ये बहुत ज़्यादा स्मूथ हो जाएगा आपकी स्किन। आप इसे अमेजोन से बहुत इजीली बाय कर सकते हो। तो ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करके जाना और आप इसे बाय जरूर कर लेना। अगर आप मेरे को इतने दिन से पूछ रहे थे ना, तो ये वही स्किन केयर रूटीन कर रही हूँ फॉलो, जिससे मेरी स्किन बहुत ज़्यादा स्मूथ हो गया। तो आप भी इसे जरूर ट्राई करो, बहुत ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा, मेरी जैसी स्किन मिलेगा। तो आई होप वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करके जाना और इसे अपने फ्रेंड्स के साथ फैमिली के साथ जरूर शेयर करना। और वीडियो अच्छी लगी हो तो आपको बस क्या करना, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके जाना है। बाय।